नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताने जा रहा हूं जो 1985 से लेकर आज तक युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों मैं जिस बाइक की बात कर रहा हूं उसका नाम है यामा RX 100। ये एक ऐसी बाइक थी जिसका 100 cc का इंजन आज की बाइक्स के 150 और 200 cc इंजन को मात देता था। इस बाइक की साउंड और पिकअप की बात करें तो आज तक इस रेंज में ऐसी कोई भी बाइक देखने को नहीं मिली है। आगे मैं आपको इस बाइक से जुड़ी और मजेदार बातें बताऊंगा। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों 80 के दशक में यामा ने भारतीय बाजार में अपनी बाइक यामा RX 100 को लॉन्च किया था। इस दौर में इस बाइक ने अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते बाइकर्स को अपना दीवाना सा बना लिया था। महज 100 cc की क्षमता वाली इस बाइक ने अपनी शानदार पिकअप और रफ्तार के चलते खूब सुर्खियां बटोरी थी। भले ही आज देश की सड़कों पर बजाज TVS KTM की शानदार स्पोर्ट्स बाइकें मौजूद है, लेकिन यामा RX 100 के चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यामा की इस बाइक को खरीदना चाहते हैं। इस बाइक में कंपनी ने 8 cc की क्षमता का 2 strokes एयर कूल इंजन का प्रयोग किया था जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करता था। अपने सेगमेंट में इतना पावर देने वाली ये एक इकलौती बाइक थी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बाइक का एक मॉडल करीबन 2 से 3 साल तक ही चलता है, उसके बाद कंपनी उसमें कुछ बदलाव करती है और एक नया मॉडल लॉन्च कर देती है। लेकिन यामा RX 100 का प्रोडक्शन 1985 से लेकर 1996 तक चला था, यानी पूरे 11 साल। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस बाइक की लोकप्रियता कितनी ज्यादा रही होगी। इसके बाद यामा ने अपनी कुछ बाइक को मॉडिफाई किया जिसे बाजार में उतारा गया, लेकिन वो यामा RX 100 की तरह इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी। दोस्तों जिन लोगों के पास ये बाइक है वो इसे कभी बेचना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए इस बाइक की सेकेंड हैंड डिमांड काफी ज्यादा है। इस बाइक के कुछ सेकेंड हैंड मॉडल 1 लाख रुपए से ऊपर तक बिकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस बाइक का जो वेट था वो 90 kg रखा गया था। लाइट वेट होने की वजह से ये बाइक 7 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती थी, जिस वजह से इस बाइक को पॉकेट रॉकेट भी कहा जाता था। जब ये बाइक लॉन्च की गई थी तब इसकी कीमत 19,764 रुपये थी। अगर आज की कीमतों से कंपेयर करें तो इस बाइक की कीमत लगभग 70 से 75 हज़ार तक बनती है, जो एक 100 cc बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी इस बाइक की डिमांड उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। 1996 में बाइक की प्रोडक्शन बंद होने के बाद यामा ने RX 32 लॉन्च किया, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फॉल्ट थे जिसकी वजह से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। उसके बाद कंपनी ने RX 135 लॉन्च किया जो RX 100 की तरह इतना कमाल नहीं दिखा पाया। दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई बाइक नहीं है जो 100 cc इंजन में 100 की रफ्तार पकड़ती हो, वो भी 7 सेकंड में। जब कुछ अथॉरिटीज़ को यामा RX 100 की इस खासियत के बारे में पता चला तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे कोई बाइक इतने कम सीसी में इतनी ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। उन्होंने इसका इंजन वगैरह सब कुछ खोल कर देखा और पाया कि इसमें सचमुच 100 cc का ही इंजन लगा हुआ था, तो वो इस बात से काफ़ी हैरान हुए। दोस्तों यामा RX 100 के बंद होने का कारण दरअसल इसकी रफ्तार ही थी। पतले टायर होने की वजह से इसका रोड पर ग्रिप काफ़ी कम रहता था। जब कोई बाइकर इसे हाई स्पीड पर चलाता था तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम रह जाती थी, जिसके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा रहता था। यही कारण था कि कंपनी को यामा के इस मॉडल की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।